दोस्तों जमानत क्या होता है? जमानत ऐसे अवधि को कहते हैं, एक टेम्प्रोरी पीरियड को कहते हैं, जिसमें कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ में कोई प्रकरण दर्ज होता है और उसे जेल भेजा जाता है और जब जजमेंट का समय आता है उस पीरियड में, जजमेंट के समय से पहले और जो न्यायिक निरोध है इस बीच का जो पीरियड होता है जिसमें कि ट्रायल चलता रहता है, उसमें आरोपियों को जमानत देने का प्रावधान है। मान लीजिए कि जजमेंट में यह आता है कि वह उसे सजा मिल जाती है तो फिर बेल को मना अर्थात जमानत को निरस्त कर दिया जाएगा और जितने वर्ष का सजा उसे दिया गया है उतने वर्ष की सजा उसे जेल में काटने होंगे। दोस्तों जमानत या बेल का बेलेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध और नॉन बेलेबल मतलब अजमानती अपराध में अलग अलग विधान है। आपको मालूम होना चाहिए कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का प्रावधान किया गया है और इसके तहत में बहुत सारे जो ऐसे अपराध हैं जिसमें 3 वर्ष या उससे कम के जो अपराध होते हैं उसको बेलेबल या जमानती अपराध की कोटि में रखा जाता है और 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर के जो सजा के प्रावधान होते हैं उसे नॉन बेलेबल या अजमानती अपराध में उसे रखा जाता है। अगर कोई आरोपी को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है जिसने जमानती अपराध किया है तो ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि जमानत का अधिकार बेलेबल ऑफेंस में जमानती अपराध में आरोपी का होता है, मतलब उसका यह हक है और अगर वो आरोपी बेल बॉन्ड मतलब बंद पत्र निष्पादित करता है तो किसी भी हालत में उसे जेल में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के में बहुत सारे लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं और इसका फायदा पुलिस विभाग के निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो फायदा उठाते हैं और बेलेबल ऑफेंस में भी उन्हें जमानत देने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें पैसे ऐंठने के लिए उनके साथ में तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जमानती अपराध में आरोपी को जमानत देने का अधिकार है पुलिस अधिकारी को और उसे आरोपी को वंचित नहीं किया जा सकता है अगर वो बेल बॉन्ड माने जमानत राशि भरने के लिए तैयार है। दोस्तों धारा 436 सीआरपीसी में जमानती अपराध में जमानत का प्रावधान दिया गया है और 436A में यह बताया गया है कि अगर किसी आरोपी ने जितना किसी अपराध में सजा का प्रावधान है उसका अगर आधा भाग उसने सजा काट लिया है माने जेल में रह करके उसने सजा भुगत लिया है तो उसे जमानत पर रिहा करना होगा बशर्ते कि वह बंद पत्र को निष्पादित करे। किसी भी अपराधी को जो ऐसे अपराध में जुडिशियल कस्टडी में या जेल में निरुद्ध किया गया है उसे उस अपराध में जितना सजा दिया गया है उससे ज्यादा जेल में निरुद्ध रखा नहीं जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तत्काल उसे रिलीज किया जाएगा। दोस्तों धारा 437 सीआरपीसी में यह प्रावधान है कि जहां पर की गैर जमानती अपराध में जमानत देने का प्रश्न है वहां पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने में या अधीनस्थ कोर्ट के सामने में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे भी जमानत दिया जाएगा बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में सम्मिलित नहीं हो जिसमें कि डेथ पेनल्टी माने मृत्यु दंड का प्रावधान हो या आजीवन कारावास का प्रावधान हो या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे संज्ञेय अपराध घटित करता है और इससे पहले वह मृत्यु दंड से दंडित किया जा चुका हो या आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो या 7 साल से ज्यादा के अपराध में दंडित किया गया हो तो भी उसको जमानत नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आरोपी उसका उम्र 16 साल से कम हो या वो महिला हो या वह इनफर्म मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो या वह बीमार हो तो ऐसी परिस्थिति में उसको अजमानती अपराध में भी जमानत दी जा सकती है। दोस्तों अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी आरोपी को अजमानती अपराध में भी जमानत देना उचित है प्रॉपर है तो वह जमानत दे सकता है।